हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह HRF यूज़ करेंगे, वो भी फ्री में और अनलिमिटेड। और आप उससे क्या कर सकते हैं कि आप एक जीमेल आईडी से काफ़ी सारी अपनी जो वेबसाइट्स हैं उसको मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको फ्री वर्जन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। जैसा आप गूगल पे जाते हैं और लिखते हैं कि फ्री डी आर चेकर, एक तो ये अपना HRF का अपना वर्जन है, ये वाला जहाँ आप अपनी वेबसाइट डालते हैं आपको पता चल जाता है, लेकिन इसमें आपको DR और बैकलिंक इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा तक कमेंट कर दें। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी वो तो हाउ टू सबमिट योर वेबसाइट टू गूगल न्यूज़, तो ये देखें मेरी अभी तक 3 दिन हो गए हैं इसका, अभी तक ये इन रिव्यू आ रहा है, ठीक है ना। एक मेरी जो है लाइव है, एक ऑलरेडी अप्रूव्ड है और दूसरी जो है इन रिव्यू है, ठीक है ना। तो जैसे ये लाइव हो जाएगा इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि आप किस तरह क्विकली इंडेक्सिंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली आप गूगल पे चले जाएं और गूगल पे जाने के बाद इधर लिखें HRF वेब मास्टर टूल्स, ठीक है। आपने ये लिखा, ये लिखने के बाद आप यहाँ नीचे आ जाएंगे जहाँ आपको ये लिखा हुआ आ रहा है HRF वेब मास्टर टूल ऑडिट एंड इम्प्रूव योर वेबसाइट, ठीक है। इसको क्लिक करते हैं। यहाँ आने के बाद आप ये साइनअप पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे ले आएगा। नीचे लाने के बाद ये आई एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन, ठीक है। इसके बाद अपना साइनअप विद जीमेल अकाउंट, तो मैं अपना जीमेल अकाउंट से साइनअप कर रहा हूँ उसको, ठीक है। तो ये साइनअप हो गया। अब ये मुझसे यह पूछा वेयर डिड यू लर्न अबाउट HRF गूगल, ओके ठीक है। अब ये रिसीव न्यू आर्टिकल फ्रॉम द HRF ब्लॉग, ओके इसको कैंसिल करें, कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि इंपोर्ट फ्रॉम GSC गूगल सर्च कंसोल या तो फिर ऐड मैनुअली। तो मैं इसको ऐड मैनुअली करूँगा क्योंकि मेरी जो वेबसाइट है इसी जीमेल से सबमिट हुई है, तो इसी से मैं वो करूँगा। ऐड मैनुअली पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ क्या करना है, मुझे अपनी जो वेबसाइट है उसको यहाँ पे सबमिट करना है। तो मेरी जो वेबसाइट है मैं आपको दिखा दूँ, आर्टिकल एथलीट, ये मेरी ये वेबसाइट है। मैं इसको तो दो वेबसाइट सबमिट करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये मैंने सबमिट किया, इसको कंटिन्यू कर दिया। ओ सॉरी, प्रोजेक्ट नेम डालना भूल गया, नो प्रॉब्लम। वेरिफिकेशन, ये अभी आपको पूछा ओनरशिप नॉट वेरीफाइड, ठीक है ना। इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो गूगल सर्च कंसोल का जो रिकमेंडेड आ रहा है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लिंक गूगल अकाउंट, ठीक है, इस पर क्लिक करके अपना अगेन लिंक कर दें इसको, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, सी डाउन ये गूगल यस कर दें, नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू कर दें, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे तो ये देखें ओनरशिप वेरीफाइड होगी। अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद अभी मुझसे पूछा रन शेड्यूल क्रॉल नाउ, ठीक है, फर्स्ट रन क्रॉल नाउ, ठीक है, इसको कर दें। अभी यहाँ आपको स्टार्ट डे कब होना चाहिए, आप मेरा आज यहाँ संडे दुबई में, तो मैं संडे कर रहा हूँ, एवरी संडे ये इसको क्रॉल करेगा 5 बजे, ठीक है ना। अब मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। अभी ये इसको आप देखेंगे क्रॉल करना इसने स्टार्ट कर लिया है, डोमेन रेटिंग सब कुछ ये बता रहा है, ठीक है। सॉरी, अभी क्या करना है आपको, साइट एक्सप्लोर पे जाना है, इधर अपना डोमेन का नेम पेस्ट करते हैं, ठीक है। और ये देखें आपको कितना क्विकली ये बता रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्विक है। जो हम फिर ग्रुप बाय लेते हैं उससे ज़्यादा बेहतर ये है, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप एक और साइट इसमें ऐड करेंगे। आप जाएंगे साइट ऑडिट पे क्लिक करेंगे ऊपर, ठीक है। साइट एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ टॉप लेफ्ट पे यहाँ लिखा हुआ रहा है साइट ऑडिट के नीचे न्यू प्रोजेक्ट के नीचे अगेन ऐड मैनुअली, ठीक है। अब मैं अपनी दूसरी वेबसाइट का जो आर्टिकल URL है उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। टेस्ट किया, मैंने इसको सबमिट किया, अगेन ये मुझसे वेरिफिकेशन पूछा है, मैं इसको अपनी ईमेल आईडी दे देता हूँ, कंटिन्यू भी देखें ऊपर आके ग्रीन हो गया वेरीफाइड। अब मैं इसको रन नाउ कर देता हूँ, फिनिश, ठीक है। अब ये मुझे इसको क्रॉल करना, ये अगेन स्टार्ट कर देगा और मुझे पूरी रिपोर्ट दे देगा कि मेरी वेबसाइट में क्या क्या फॉल्ट है, ठीक है ना। तो ये सारा आप देख सकते हैं। तो अगेन मैं क्या करूँगा, अगर ये मेरी वेबसाइट यहाँ ऐड हो गई है, ठीक है, मैं अगेन साइट एक्सप्लोरर पर जाऊँगा। अब मैं अपनी वेबसाइट का URL यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और मैंने अपनी डाल दिया है वेबसाइट का URL, इसमें सब DAP ये सब कुछ मुझे बता रहा है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक ये सब कुछ है, ठीक है। और इसमें जाके अगर आप देख सकते हैं कि कौन से कीवर्ड आपके रैंक है, ठीक है। तो फ्री वर्जन में आपको जो हम यूज़ करते हैं वो जो सिर्फ DA DR बताता है वो
ये बैकलिंक नहीं बताता। तो अगेन आप इसकी साइट एक्सप्लोर पे आ जाएं, ठीक है, मैं आपको फिर ये दिखा दूँ। इंटर किया, इसके बाद इसके बैकलिंक चेक करेंगे कहाँ से बैकलिंक है। बैकलिंक में क्या करना होता है आपको, अगर आप चाहते हैं कि आप मॉनिटर करें तो ये देखें राइट साइड पर लिखा फर्स्ट सीन, फर्स्ट सीन पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि रिसेंटली कौन सा बैकलिंक आपका इंडेक्स हुआ है, ठीक है। अब मेरी जो वेबसाइट पर ये चाइनीज और जैपनीज अटैक मुसीबत मेरे होगी है जो कि रिमूव नहीं हो रहा, अगर कोई है मेरे सब्सक्राइबर में जो इस चीज़ को मुझे हेल्प कर दे तो मेरी वेबसाइट ये सही हो जाएगी, ठीक है ना। मैंने ट्राई किया लेकिन मैं वेब डेवलपर नहीं हूँ, इस वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। इस पर पूरा जैपनीज अटैक हुआ हुआ है। तो इसी तरह आप करके अनलिमिटेड साइट जो है एक ही अकाउंट पर ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम आपको मैं फिर बता दूँ कि आपको गूगल पर जाना है, ठीक है। गूगल पर जाने के बाद HRF वेब मास्टर टूल्स, ठीक है, ये लिखा आपने। और जब आपको ये जब वेब मास्टर टूल वाले इसको वेबसाइट ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद जब साइन अप पे क्लिक करेंगे नीचे आएंगे, इस पर चेक लगा दें और साइन अप विद जीमेल, ठीक है, सॉरी गूगल, उससे क्लिक करेंगे तो आप सीधा यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद ये आपकी वेबसाइट को पूरा क्रॉल करेगा और अच्छे से आपको बता देगा, और आपको ईमेल्स भी आ जाएगी इसके अंदर क्या क्या फॉल्ट है, कितना इसमें जो SEO टाइटल है और 404 एरर आते हैं, सारा आपको ये बता देगा फ्री में, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको बैकलिंक की चाहिए तो आप मेरी काफ़ी सारी बैकलिंक का ये ऑलमोस्ट एक खजाना है जो मैंने काफ़ी सारी मैंने बैकलिंक की वीडियो बनाई हुई है, इसको लेकर भी आप इसको अपनी वेबसाइट का DA DR प्रॉपरली मैनुअली बना सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई ब्लैक हैट SEO नहीं है, और इंडेक्सिंग के लिए भी मैंने काफ़ी इसमें बताई हुई है, इंडेक्सिंग भी आप कर सकते हैं, जो इसमें बल्क इंडेक्सिंग भी है और इंडिविजुअल इंडेक्सिंग की भी वीडियो है, काफ़ी सारी इंडेक्सिंग की वीडियो, टाइम टू टाइम एल्गोरिथम चेंज होता रहता तो मैं इसके ऊपर अपडेट करता रहता हूँ इंडेक्सिंग की वीडियो। और भी इंडेक्सिंग की वीडियो है जो गूगल न्यूज़ से रेलेवेंट है, तो मैं जब ये मेरी जैसे ये गूगल न्यूज़ पे यहाँ अप्रूव हो जाएगा तो मैं आपको बताऊँगा कि आप गूगल न्यूज़ से किस तरह क्विकली इंडेक्स कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर।